नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। यूपी के फतेहपुर जिले में ट्रक से कुचलकर छात्रा की मौत के बाद हुए बवाल व चौकी में तोड़फोड़ कर ट्रक चालक को बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने 18 नामजद व 150 अज्ञात लोगों विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। वहीं ट्रक चालक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला ललौली थाना क्षेत्र के बहुआ कस्बे का है, जहां पर 23 सितंबर की सुबह कक्षा 9 की छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी सड़क क्रॉस करते समय ओवरलोड मोरंग से लदे ट्रक ने छात्रा कुचल दिया था, जिससे छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसके बाद गुस्साए पारिवारिक सहित स्थानीय ग्रामीणों ने बहुआ चौकी में घुसकर तोड़फोड़ की थी और ट्रक चालक व क्लीनर को पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी थी। हंगामा टाइम्स भी उड़ा कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ? जो चौकी पे जो इनका चलाए थे उनकी पहचान की गई है, जिसमें से 18 लोग जो पहचान में आए हैं उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त पंजीकृत कराया गया है और अन्य जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत।